इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सही होंगे। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में, बहुत सारा ट्रेंड, बहुत ही ट्रेंडिंग है ये। जानना चाहेंगे वो क्या है? वो है स्पोकन। आजकल सभी लोग ऑलमोस्ट चाहते हैं इंग्लिश बोलना, स्पोकन की क्लास ज्वाइन करना, और स्पोकन की क्लास सही फैशन बन गया है। जिस तरह लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, पहन के चमका के इधर उधर घूमते हैं, स्पोकन क्लास भी आजकल फैशन का दौर का पार्ट बन गया है। कैसे? अगर कोई बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, स्पोकन क्लास कर रहे हैं। क्या बात है, स्पोकन क्लास कर रहे हो? कितने मंथ का क्लास है? 6 महीना का क्लास है सर, बोले 6 महीना में इंग्लिश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए 6 महीना में नहीं हुआ, 8 महीना में हो जाएगा, चलो सही है। पर उसी बच्चे से अगर आप 8 महीना बाद मिलो तो बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं और नहीं बोल पाते। उनसे जब पूछो कि आपने 8 महीना वहां क्या किया, सर हमने तो सीखा, सर ने नहीं सिखाया। सर ने नहीं सिखाया या आपने नहीं सीखा? याद रखिएगा, कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिलाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा। किन्हीं के पास ऐसा घोल है ही नहीं जो आप आए, आपको टेंस में प्रॉब्लम है, आपको घोल करके टेंस का घोल पिला दे और आपको टेंस क्लियर हो गया। है क्या ऐसा? नहीं है और ना हो सकता है। यानी आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। वीक में 3 डेज क्लासेस होती है, कोई कोई इंस्टीट्यूट में तो 5-5 दिन क्लासेस होती है, कोई कोई इंस्टीट्यूट में तो मत पूछिए एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। अरे भाई ठीक है, क्लास होती है सही है, पर क्लास होने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है हमारा, हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। भाई क्यों फंस जाते हैं? हमारे में वर्ड वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी याद करते तो याद नहीं रहता है। और जब आपसे पूछा जाए कि आपको टीचर ने पढ़ाया याद नहीं है, कैसे स्ट्रक्चर याद नहीं होता है, वोकैबुलरी याद नहीं होता, अरे तो क्यों नहीं होता भाई? अब कर क्या रहे हो? अब पढ़ क्या रहे हो? अब कैसे पढ़ रहे हो? आपका पढ़ने का तरीका क्या है? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सर से बात करो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है फिर से बात करो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो मत पढ़ो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हर लोग का एक सपना है इंग्लिश बोलना। सब चाहते हैं, बेटा हो या बेटी, सब चाहते हैं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे जहाँ इंग्लिश सीखने जा रहे हैं वो इंग्लिश बोले। हमें इंग्लिश नहीं आता बोलने, पर वो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलता देख के बहुत सुकून फील करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा सुकून फील करें, उनको खुशी मिले कि मेरा बेटा मेरे बेटी इंग्लिश बोल रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा दौलत आप कमा लेते हैं अगर अपने मम्मी पापा को सुकून देते हैं तो। सोचिए इस पर, थिंक ओवर इट। तो आपको लगता है कि आपका सपना इंग्लिश बोलना एक सपना ही है, और धनबाद के जितने भी इंग्लिश स्पोकन का टीचर है वो सपनों के सौदागर है? सौदागर जैसे दिमाग में आता है, सबसे पहले आता है पैसा, पैसा से लेन देन होगा, आप फीस देते हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, और आपको लगता है हम तो फीस दे रहे हैं उनको सिखाना ही पड़ेगा। क्या लगता है ज्ञान का कोई मूल्य होता है क्या? आप जो फीस देते हैं उनका भरपाई होता है क्या? वो समय का पैसा ले रहे हैं, वो अपना समय आपको दे रहे हैं उसका पैसा ले रहे हैं, और आप भी पैसा दे रहे हैं क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो। यानी आप समय देने का पैसा देते हो और वो समय लेने का पैसा देते हैं, उल्टा हो गया ना। आप समय उनका लेने का पैसा देते हो और वो अपना समय देने का पैसा देते हैं, पर दोनों कंडीशंस में रिजल्ट तो होना चाहिए, स्पोकन तो होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोल लो? आप चाहते हैं कि आपका सारा ग्रामर सही हो?
आप चाहते हैं कि आपके पास वोकैबुलरी क्या कैपेसिटी हो, आप चाहते हैं कि कंपटीशन में एसएससी बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में पेपर अगर आपके पास आए तो उसमें आप अच्छा फील करो, कंफर्टेबल फील करो, चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें एसी अनुज क्लासेस। आई एम एजे डायरेक्टर ऑफ एसी अनुज क्लासेस। हमारा दो जगह ब्रांच है, एक पुलिस लाइन हीरापुर और दूसरा छठतलाव बैंक मोड। हमारा कोशिश रहता है कि बच्चे अगर आते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन मिले। हम पिछले 12-13 साल से यही सेटिस्फैक्शन की तलाश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं सीखे हैं, इंग्लिश बोलना सीखे अगर वो चाह लेते हैं। और मैं आपके चाहत को पूरा करूँगा, और आप अपने चाहत को पूरा करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इंग्लिश क्लास ज्वाइन करें। कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरे पास ही ज्वाइन करें, कहीं भी करें, पर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके साथ आपका समय बर्बाद हो रहा है। पैसा तो एक बार आ भी जाएगा, समय दोबारा नहीं आएगा। आपके साथ आपका इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट आज है कल नहीं रहेगा। आज आपके पास इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो, कल एक समय ऐसा आएगा आपके पास बहुत सारा काम होगा और आपका इंटरेस्ट घटते चला जाएगा, उस समय आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। यानी इंटरेस्ट कभी है कभी नहीं है, कभी चली जाता है हमेशा के लिए। तो इंग्लिश बोलना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना है, वोकैबुलरी बिल्डिंग करना है, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है, ऑनर्स पेपर क्लियर करना है, तो आप जल्द से जल्द हमसे मिलें। मैं हूँ एजे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835523844। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।